तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे चैनल पर जो है कंप्यूटर के कुल 3650 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसमें जो है ये वीडियो नंबर जो है 12 पे चल रहा है, यानी कि ये इस जो है इन सभी क्वेश्चन के पार्ट नंबर जो है 12 चल रहा है इसमें। अगर आपने उन सभी पुराने वीडियो को नहीं देखा है, यानी पुराने जो है 11 पार्टों को नहीं देखा है, तो फ्रेंड आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आपको बता दें, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों के जो है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जो है आसानी के साथ इन सभी जो है क्वेश्चनों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर भी आपको जैसा कि हर वीडियो में 50 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताता हूं, तो इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी शुरुआत की जाए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, दो एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए हमें कौन सा यहाँ पर बटन दबाना चाहिए। दो एप्लीकेशन को एक साथ यहाँ पर अगर बंद करना है तो कौन सा बटन आप दबाएंगे, यानी कि दो एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखा है, जैसा कि आपने MS वर्ड भी ओपन किया है, MS एक्सेल भी ओपन किया है, तो अगर उन दोनों एप्लीकेशन को एक साथ जो है बंद करना है, स्विच करना है, तो उसके लिए कौन सा बटन प्रयोग करेंगे। उसके लिए जो है अल्ट प्लस टैप बटन का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर है, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग जो होता है यहाँ पर किसी भी आइटम को कट करने के लिए। कट करने का मतलब होता है यहाँ पर आप एक आइटम को जो है यहाँ पर कट कर देंगे, जैसा कि आपका आइटम यहाँ पर इस फोल्डर में है, इसको आप जो है कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर दिए, उसके बाद आपको इस फोल्डर में इस आइटम को ले जाना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो यहाँ पर ये आइटम जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, यानी कि इस फोल्डर में आ जाएगा और यहाँ पर जो है हट जाएगा हरदम के लिए। अगर इसे कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो ये आइटम यहाँ भी रहेगा, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आइटम रहेगा, अगर कट करेंगे तो वो आइटम इस फोल्डर से गायब होकर इस फोल्डर में हमेशा के लिए आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है यानी कि तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सेल में रो और कॉलम के मेल को क्या कहते हैं। तो एक्सेल में रो और कॉलम को मिलाकर जो है यहाँ पर क्या निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है। तो एक्सेल में सेल, ये भी सेल है, यहाँ पर ऐसे ऐसे सेल बना रहता है, तो इसी प्रकार जो है सेल बना रहता है, रो और कॉलम के यहाँ पर जो है मेल को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये डब्बा पूरा क्या है, सेल है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी सिंपल सवाल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट बटन का उपयोग जो है यहाँ पर कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए जो है किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर को दोबारा रिबूट कराना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट बटन का प्रयोग किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर पाँचवा यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर पाँच आप देख लीजिए यहाँ पर है, अल्ट प्लस या फोर के लिए दबाते हैं। तो अल्ट प्लस या फोर बटन जो है किसके लिए दबाते हैं, तो यहाँ पर बता दें अगर आपको अपना सिस्टम यहाँ पर स्विच ऑफ करना है तो उसके लिए जो है अल्ट प्लस या फोर बटन को दबाया जाता है, यानी कि समसामयिक खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए, यानी कि इस समय जो प्रोग्राम आपका खुला हुआ है ओपन है, आपका सारा जो है प्रोग्राम को बंद करने के लिए जो है अल्ट प्लस या फोर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर छः यहाँ पर है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हाईलाइट किए गए सेक्शन को इटैलिक करने के लिए हम क्या दबाते हैं। तो इटैलिक करने के लिए यहाँ पर जो है कंट्रोल प्लस आई बटन का प्रेस किया जाता है, कंट्रोल प्लस जे को यहाँ पर जो है यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एल का प्रयोग जो होता है टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो है हमें कमेंट में ये बताइए कंट्रोल प्लस के का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, अपना आंसर जो है ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां यहाँ पर है, एमएस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे क्या होता है। तो एमएस एक्सेल की में टाइटल बार आप जानते होंगे टाइटल बार के नीचे क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। तो काफ़ी सिंपल सवाल है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर एट है यहाँ पर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये आंतरिक कंप्यूटर की प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि हर सिस्टम में बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर रन नहीं कर सकता, तो ये कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है ये आपके UPSC के एग्ज़ाम के लिए। वर्ड में प्रिंट व्यू किस मेन्यू के अंदर पाया जाता है। तो वर्ड में प्रिंट व्यू जो है ये फाइल मेन्यू के अंदर यहाँ पर पाया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके UPSC के एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, फाइल फोल्डर का जो है क्या बदलने के लिए F2 की प्रयोग की जाती है। F2 कुंजी का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है फाइल फोल्डर में। तो यहाँ पर उसका फाइल फोल्डर का जो है नाम बदलने के लिए जो है F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F1 से F12 कुंजी को जो है यहाँ पर फंक्शन कुंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है F2 का प्रयोग जो है फाइल का जो है यहाँ पर नेम चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, किसी शब्द पर माउस से डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा। अगर किसी शब्द पर जो है यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो वो शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर संपूर्ण शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके UPSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, शिफ्ट प्लस डिल बटन को दबाना चाहिए क्यों। तो शिफ्ट प्लस डिल बटन को दबाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइल को बिना रिसाइकल बिन में डाले डिलीट हो जाएगा, यानी कि अगर आप किसी भी फाइल को जो है यहाँ पर डिलीट करते हैं तो सबसे वो फाइल जो है आपको रिसाइकल बिन में मिल जाती है, यानी कि इस डब्बे में मिल जाती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं उस फाइल को जो है दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी फाइल अच्छे यानी कि इम्पोर्टेंट फाइल जो है डिलीट हो जाती है और आप उसे दोबारा जो है यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं रिसाइकल बिन में से, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिल बटन का प्रयोग करेंगे तो आपकी फाइल जो है
हरदम के लिए डिलीट हो जाएगी, आप उसे जो है दोबारा रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर निम्न में से किसकी मदद से ग्राफिक आउटपुट उत्पादित किया जाता है? तो ग्राफिक आउटपुट उत्पादित करने के लिए जो है यहाँ पर प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपके UPSL के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए। इसके अलावा जो है आपको बता दें, PDF दी गई है। तो अगर आप जो भी कैंडिडेट यहाँ पर PDF डाउनलोड करना चाहता है वो डाउनलोड कर सकता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए यहाँ पर नहीं आएगी। और यहाँ पर जो है सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 है, यहाँ पर किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए क्या दबाना चाहिए? तो यहाँ पर आप जानते होंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए जो है Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है I से पता होगा आपको इटैलिक करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑप्शन किस में पाया जाता है? तो ड्रॉप कैप ऑप्शन जो है यहाँ पर फॉर्मेट टूल में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पेज मेकर जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर विभिन्न स्लाइड प्रेजेंटेशन का बाहरी इंडेक्स क्या होता है? तो इसका जो इंडेक्स होता है उसे कहते हैं स्लाइड पार्ट। तो स्लाइड पार्ट जो है यहाँ पर MS पावर पॉइंट में जो है होता है। तो जैसा कि स्लाइड में MS पावर पॉइंट में कई सारे जो हैं स्लाइड को मिलकर जो है एक प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर टास्क बार समानता कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है टास्क बार आपको पता होगा कंप्यूटर के सबसे नीचे जो होता है, ऐसा जो बना होता है यहाँ पर आपके एप्लीकेशन को, जो भी एप्लीकेशन रहता है यहाँ पर, अगर आप जो है सभी एप्लीकेशन यहाँ स्टार्ट मेन्यू रहता है और सभी आपके एप्लीकेशन अगर आप जितने भी एप्लीकेशन को क्लोज किए रहते हैं वहाँ पर जो है ये मिनिमाइज किए रहते हैं, सारे एप्लीकेशन यहाँ पर शो होते रहते हैं। तो यहाँ पर टास्क बार जो है सबसे नीचे होता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर टेक्स्ट को दो बार रेखांकित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर आपने लिखा UPSL तो यहाँ पर अगर इसको अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है आपको बता दें, अगर टेक्स्ट को दो बार रेखांकित करना है यानी कि डबल अंडरलाइन करना है, जैसा कि दो अंडरलाइन हो गई, तो यहाँ पर जो है Ctrl+Shift+D का जो है प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हुए कोई भी आसानी एवं जल्दी से क्या बदल सकता है? तो यहाँ पर डाटा को यहाँ पर चार्ट में बदल सकता है, किस में? MS Excel में। तो ये क्वेश्चन जो है MS Excel का क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर निम्न में से कीबोर्ड की कौन सी कमांड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के काम में आती है? तो Ctrl+P का प्रयोग जो है
प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप जो है सारे सर्टिफिकेट की जो है देख लीजिए, उसका जो है एक सेपरेट वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है उन सभी वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है यहाँ पर है, एक्सेल को ये बताने के लिए कि हम सेल में एक फार्मूला उपयोग कर रहे हैं, यूजर को किस जो है ऑपरेटर से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसके लिए जो है यहाँ पर इक्वल का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर चित्र को सम्मिलित करने के लिए डाटा टाइप होना चाहिए, तो ये होना चाहिए OLE। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो रिसाइकल बिन का फ़ायदा क्या होता है, तो मैंने पहले ही इसको बता चुका हूँ। रिसाइकल बिन का फ़ायदा क्या होता है, हम डिलीट की गई फाइलों को जो है रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी फाइल को डिलीट कर दिया है गलती से, तो आप जो है रिसाइकल बिन में जाकर उन सभी फाइलों को जो है रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू का चयन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर MS वर्ड का क्वेश्चन है। तो कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो है किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर एडिट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र इसमें से कौन है, तो विंडोज़ XP क्या है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, C++ क्या है, एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, पावर कार्ड आप जानते होंगे ये पावर देता है, यहाँ पर IE8 जो है यहाँ पर ये कंप्यूटर की जो है ब्राउज़र होता है। इसके अलावा आपको बता दें कंप्यूटर में अगर आपको वेब ब्राउज़र पूछा जाए तो गूगल क्रोम आप जानते होंगे ब्राउज़र होता है, इसका जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वेब ब्राउज़र होता है, फायरफॉक्स होता है, तो ये सभी क्या होते हैं यहाँ पर वेब ब्राउज़र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, एक मोबाइल SMS में क्या नहीं हो सकता है। तो मोबाइल के SMS में यहाँ पर आप अक्षर को भेज सकते हैं, अंक को भेज सकते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मोबाइल के SMS में यहाँ पर आप जो है वीडियो को नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 28, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28, मोबाइल के लिए ग्लोबल सिस्टम किसका जो है उपयोग करता है। तो मोबाइल में जो ग्लोबल सिस्टम होता है उसके लिए जो है ये TDMA का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नैरो बैंड का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन HTML के लिए जो है गलत है। यहाँ पर तो HTML का क्या मतलब होता है, HTML का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट HTML। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर HTTP। तो यहाँ पर HTML का को आप जानते होंगे, तो यहाँ पर ये वेबसाइट वगैरह को डिजाइन करने में लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं HTML के बारे में, कौन सा कथन जो है यहाँ पर गलत है। तो यह एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, तो यह टैग सिमेंटिक फिक्स रहते हैं, तो यहाँ पर यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये गलत है। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, वेब डॉक्यूमेंट किस लेख में लिखे जाते हैं। तो जैसा कि HTML के बारे में आप देख सकते हैं,
तो वेब वगैरह यानी कि डिजाइन करने में जो है एचटीएमएल का प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट को जो है एचटीएमएल में लिखा जाता है। सी ये सब क्या होती हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं। तो एचटीएमएल का अगला क्वेश्चन है, एचटीएमएल भाषा के द्वारा वेब पेज पर हाइपरलिंक करने के लिए जो है किस टैग का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा टैग यहाँ पर लिखा जाता है AHREF। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर के एचटीएमएल भाषा हाइपरलिंक करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर है, ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी ईमेल अकाउंट से अगर आपको बाहर आना है, दूसरा जीमेल यहाँ पर ओपन करना है, तो उस जीमेल को साइन आउट करिए, उसके बाद अगर अंदर जाना है तो साइन इन करना पड़ता है, और बाहर जाने के लिए साइन आउट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, .org नामक डोमेन आईडी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर उसका प्रयोग जो है .org क्या होता है यहाँ पर, और अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर .org का प्रयोग किया जाता है, .com का प्रयोग जो होता है यहाँ पर कंपनी वगैरह में किया जाता है, जो सबसे टॉप लेवल का डोमेन होता है वो होता है .com। तो इसके अलावा जो है कई सारे डोमेन नेम होते हैं जैसे .net, .in, .. इसी प्रकार जो है कई सारे डोमेन आपने देखे होंगे, जैसा कि होता है UPPCL.in, ये क्या है यहाँ पर UPPCL का वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल द्वारा भेजे गए मैसेज को के बारे में जो है जानकारी देता है। तो यहाँ पर ईमेल द्वारा मैसेज जो है किसके माध्यम से आता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर SMTP के द्वारा ये मैसेज आता है। तो FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसके माध्यम से जो है फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट जो है आपके वेबसाइट को यहाँ पर लोड होने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप जो है कमेंट में ये बताइए मुझे TCP का क्या मतलब होता है, TCP या फिर IP। तो IP का क्या मतलब होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके माध्यम से यहाँ पर इंटरनेट क्या होता है, सफरिंग होता है, इसके माध्यम से इंटरनेट चलता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अत्यधिक रूप से वाणिज्य में प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी होती है। तो वाणिज्यों में यानी कि ज़्यादातर वाणिज्य में यानी कि जोड़ और घटाव में यहाँ पर फोर्ट्रॉन भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पर TCP सोर्स पर मैसेज को पैकेट में विभाजित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि IP जो है किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो डिस्टेंशन कंप्यूटर का एड्रेस को बनाए रखने के लिए सबका एक IP एड्रेस होता है, जैसा कि आपके मोबाइल का भी एक अलग IP एड्रेस होगा, सभी यहाँ पर कंप्यूटर का जो है एक नेटवर्क का एक अलग IP एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से आप जो है कंपनियां चेक कर लेती हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, IP एड्रेस है, तो जैसा किसी का IP एड्रेस ये है, तो आप चेक करेंगे अपने मोबाइल में भी तो आपका भी एक IP एड्रेस होता है इंटरनेट को चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन यंत्र का उदाहरण होता है। तो ये कौन सा यंत्र है, मॉडेम जो है टेली कम्युनिकेशन यंत्र का एक उदाहरण है। दर्शिका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इस्तेमाल को क्या बताती है, तो यहाँ पर ये यूजर को बताती है। निम्न में से राउटर संबंधी कथन कौन सा यहाँ पर गलत है। तो राउटर आपने देखा होगा, राउटर में भी सिम लगाया जाता है, तो यहाँ पर इसके माध्यम से जो है इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट चलाया जाता है। तो यहाँ पर ये फिजिकल एड्रेस का प्रयोग करता है, तो ये गलत है, बल्कि ये डिजिटल IP एड्रेस पर काम करता है, तो इसका भी एक IP एड्रेस होता है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर ये सभी कथन यहाँ पर सही हैं।
भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने वाला यंत्र यहाँ पर क्या कहलाता है? तो उसे गेटवे कहा जाता है। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या होता है? तो जंक ईमेल को दूसरा नाम स्पैम भी कहा जाता है। वे संदेश जो किसी विशिष्ट वेबसाइट पर यूजर की गतिविधियों की जानकारी रखते हैं क्या कहलाते हैं? वे कुकीज कहलाते हैं। वे संदेश जो किसी विशिष्ट वेबसाइट पर यूजर की गतिविधियों को जानकारी को रखते हैं, यानी कि अगर आप देखते होंगे वेबसाइट वगैरह आप जब चला रहे हैं तो उसमें कुकीज आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपके जो है डेटा उन दूसरे हैकर्स के पास चली जाती है और आपने आपके डेटा को यहाँ पर वे गलत भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सभी क्या कहते हैं, कुकीज कहा जाता है। एक ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल अटैचमेंट मतलब क्या होता है, ईमेल के साथ भेजा हुआ एक अलग डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि आप जो है किसी टेक्स्ट को भेज रहे हैं ईमेल के माध्यम से, उसमें अगर आप फोटो भेज दिए तो वो अटैच कर दिए, कोई भी डॉक्यूमेंट भेज दिए, वीडियो भेज दिए, यहाँ पर कोई भी PDF भेज दिए, तो ये सब क्या है, ईमेल अटैचमेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, NIC उत्पादक हर NIC कार्ड को एक विशिष्ट फिजिकल पता प्रदान करता है, यह पता क्या कहलाता है? तो इस एड्रेस को MAC एड्रेस कहा जाता है। एक विशिष्ट उपयोगी कंप्यूटर जो दो या दो से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क के कनेक्शन को हैंडल करता है वह क्या कहलाता है? तो वह राउटर कहलाता है। वेबसाइट पर लौटने वाले यूजर की पहचान कराते हैं तो यहाँ लौटाने वाले कुकीज कहा जाता है। लंबी दूरी के संचरण में निम्न में से कौन से सिग्नल का प्रवर्धन एवं संचरण करता है? तो उसे जो है रिपीटर कहा जाता है। संचार नेटवर्क में फायरवॉल जो है किससे बचाता है? तो ये अनधिकृत हमलों को बचाता है। निम्न में से कौन सी सीढ़ी रूप में डाटा का संचालित करता है? तो सीरियल पोर्ट जो है इसका राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया वर्कशीट प्रविष्ट करने की के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर Alt+IW का प्रयोग किया जाता है। गूगल क्रोम क्या होता है? तो गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। तो जैसा कि आप मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो फ्रेंड ये थे आज के जो है कुल 52 क्वेश्चन जो आपके UPSC के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने जो है इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर सारे जो है पार्टों को देख सकते हैं। कुल जो है 3,650 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो जिसमें कि ये 12 पार्ट जो है कम्प्लीट हो चुका है। और अगर आप इन सभी जो है क्वेश्चनों की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये वीडियो सबसे खास चल रहा है हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।